लॉकडाउन में फंसी जनता के लिए अब सब्जी टेंशन बढ़ाने वाली है। ट्रकों की आवाजाही कम होने से और मजदूरों की किल्लत से सप्लाई पर इसका असर पड़ा है। बेमौसम बारिश ने भी सब्जियों के भाव को बढ़ा दिया है। कोरोना का खौफ और लॉकडाउन का असर दोनों ही सब्जियों के दाम पर भारी पड़ रहे हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर में सब्जियों की सप्लाई 50% तक कम हो गई है। मंडी के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के लिए एपीएमसी ने ट्रकों और मजदूरों की संख्या में कटौती की है, लिहाजा आने वाले दिनों में सब्जी के लिए जेब और ढीली करनी पड़ सकती है। ऐसे में सरकार को देखना चाहिए कि हर व्यापारी हो या किसान हो, उनके लिए सुविधा रखे, जबकि सुविधा कोई इनके लिए कोई अभी तक नहीं जारी की गई है। देश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश से भी सब्जियों की फसल बर्बाद हुई है, इसका असर भी सब्जियों के दाम पर पड़ना तय है। बेमौसम बरसात हो जाने के कारण ओला पड़ने से और सारी फसल भी और लॉकडाउन चलने से हम लोगों की बहुत ही दुर्दशा हो रही है। 40 दिन के लॉकडाउन में अभी 6 दिन और बाकी हैं। आगे भी लॉकडाउन पूरी तरह खत्म होगा इस पर संशय है, लिहाजा जब तक डिमांड और सप्लाई का गैप कम नहीं होता सब्जियों के दाम नीचे आने के आसार नहीं है। दिल्ली से प्रशस्त शांडिल के साथ आज तक ब्यूरो। जो लोग लॉकडाउन के दौरान घर में लॉक नहीं है उन्हें पुलिस अलग अलग तरीके से सबक सिखा रही है। कोई थर 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 कांपता नजर आया तो कोई बिजली के खंभे पर चढ़ गया, किसी ने नेटवर्क की तलाश में पेड़ पर आशियाना बना लिया, कहीं चट मंगनी और पट ब्याह हो गया तो कहीं बाइक पर ही दुल्हन विदा हो गई। लॉकडाउन के बीच ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले। एक एम्बुलेंस, कुछ पुलिस वाले और हाथ पैर जोड़ता एक शख्स। तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई मरीज है, लेकिन जनाब ये मरीज नहीं बल्कि कोरोना को चुनौती देने वाला वो जाबाज है जो लॉकडाउन के बीच सड़क पर बेधड़क घूम रहा था, वो भी बिना मास्क के। इस दिलेर की सारी दिलेरी उस वक्त काफूर हो गई जब पुलिस ने इसे एम्बुलेंस में डाला और 14 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर भेजने की बात कही। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के गुंटूर की हैं, जहां पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ये नायाब तरीका निकाला। आगरा में तो एक युवक स्ट्रीट लाइट के पोल पर चढ़ गया, धमकी ये कि अगर लॉकडाउन खत्म नहीं किया तो वो पोल से कूद कर जान दे देगा। पुलिस पहुंची, दमकल विभाग की टीम भी पहुंची, खाना खिलाया और खूब समझाया, तब जाकर ये युवक और उसका गुस्सा सातवें आसमान से नीचे उतरा। पेड़ पर पड़ी चारपाई की तस्वीरें भी शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, पर डेरा डालने वाले ये वो छात्र हैं जो लॉकडाउन में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन नेटवर्क है कि मिलता ही नहीं। आखिरकार परीक्षा के फिक्र ने इनकी खटिया पेड़ पर लटका दी। ये तस्वीरें बूंदी की हैं। लॉकडाउन के बीच शादियों की भी बहार है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में शादी के सारे रिकॉर्ड टूटे और दूल्हा दुल्हन महज 1 घंटे में एक दूजे के हो गए। संगरूर में तो दूल्हा बाइक पर ही शादी रचाने पहुंच गया। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने पर पुलिस ने बाकायदा उसका स्वागत भी किया। आज तक ब्यूरो।